दोस्तों MIUI 10 ग्लोबल बीटा 9.5.30 जो कि आज जो रोल आउट किया गया है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मेरे Redmi 4 के अंदर अभी भी अपडेट नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं मैं जाता हूँ यहाँ पर अबाउट फ़ोन के अंदर। अबाउट फ़ोन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर जो है डिवाइस मॉडल आप देख सकते हैं Redmi 4 एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि अभी मेरे फ़ोन में इंस्टॉल्ड है वर्जन 9.5.16, तो 16 का यहाँ पर अपडेट है। तो दोस्तों पहले भी दोस्तों पिछले फ्राइडे भी यहाँ पर जो है नहीं मिला था अपडेट, पिछले फ्राइडे भी, तो वो भी यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया था। दोस्तों मैंने वीडियो बना दी थी और दोस्तों आज भी जो है अपडेट नहीं आया, वो भी सस्पेंड कर दिया गया है, जिसका वर्जन था दोस्तों MIUI 10 ग्लोबल बीटा 9.5.30। ठीक है दोस्तों, आज भी जो है रिलीज़ नहीं किया गया Redmi 4 के अंदर। दोस्तों हो सकता है कि आपके Redmi Note 4, Redmi 4 एंड आपका Redmi Note 5 इन डिवाइस के अंदर जो है MIUI 10 ग्लोबल बीटा 9.5.30 जो कि आज जो रोल आउट होने वाला था, तो इन सभी के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो दोस्तों पता नहीं Redmi 4 के अंदर क्यों सस्पेंड हो रहा है बार बार, तो पता नहीं है दोस्तों MIUI 10 5.16 के बाद से यहाँ पर दो अपडेट नहीं आए हैं, नहीं आपको जो पिछला अपडेट आया था एंड नहीं आपको इस वीक भी अपडेट देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों मैं हो सकता है कि आपको अब अपडेट, तो कोई भी कंफर्मेशन मैं आपको बताऊं कि कोई भी कंफर्मेशन न्यूज़ यहाँ पर नहीं निकल कर आ रही है कि Redmi 4 के अंदर अपडेट क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हमेशा की तरह सामने वाले बता देते हैं कुछ एरर की वजह से यहाँ पर अपडेट नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों Redmi 4 के अंदर दो बार से अपडेट नहीं आया है, ठीक है, जो कि आज मिलने वाला था MIUI 10 ग्लोबल बीटा 9.5.30, तो जो भी यहाँ पर अपडेट नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिर्फ दोबारा नेक्स्ट फ्राइडे का ही वेट करना पड़ेगा, तभी जाके पता चलेगा कि अपडेट आपको मिला है या नहीं मिला। दोस्तों इस फ्राइडे को भी अपडेट नहीं मिला है, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया आपके Redmi 4 के अंदर। तो दोस्तों आपको अब नेक्स्ट फ्राइडे का ही वेट करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।